कुछ वैल्यू ऐड करेगी ये वाली डिग्री आपकी सर जॉब में? बहुत बहुत करेगी सर, इंशाल्लाह बहुत करेगी। अच्छा चलें जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक जी, थैंक सर थैंक यू वेरी मच। जी। इरफान साहब, अच्छा बाकी सब लोग जो है ना वो माइक पे अपना प्रोडक्शन कराए ना, टेक्स्ट मैसेज ना करें। ये इरफान अली, काइंडली इंट्रोडक्शन कराइए, आपके पास माइक की एक्सेस है। सर वालेकुम फ्रॉम सिंह, आई एम स्टूडेंट ऑफ सिंह। माय लास्ट 501 आई वाज इन द फेल्ड नेक्स्ट टाइम एजुकेशन। चलें ठीक है, थैंक यू जी। इमरान, माइक आपके पास है, काइंडली इंट्रोडक्शन कराएं जल्दी से। जी इमरान, अपना इंट्रोडक्शन कराएं बेटा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम इमरान है और मैं मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में कराची में काम करता हूं और मैं एमएससी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस का स्टूडेंट हूं। क्या जॉब की नेचर क्या है आपकी? मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं यहां पे, हमारे ऑपरेशंस हैं, एनजीओ टाइप हमारा काम है और हम हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट सेंटर चला रहे हैं कराची में। चलिए माशाल्लाह, ये डिग्री कुछ वैल्यू एडिशन करेगी या खास? जी जी बिल्कुल, आई हूँ माय मैनेजर और मैं देख रहा हूँ कि अपने करियर को ग्रो करूँ क्योंकि इस डिग्री से मैनेजमेंट के स्किल्स आएंगे जो कि हमें आगे ग्रो करने में हेल्प करें। चलिए माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। जी आदिल, माइक आपके पास है, काइंडली इंट्रोड्यूस कराइए। जी आदिल, माइक आपके पास है। अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आदिल, अपना इंट्रोडक्शन कराइए। आदिल दुलकर है, मैं बेसिकली ब्लॉग फैसला से रहता हूँ, नो इंडिया मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। एक तो जॉब पर स्पीकिंग हो चुका है येलो मोर के करीब। कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? आवाज़ कटी है, कहाँ कर रहे हैं जॉब? हेलो सिग्नल का इशू लग रहा है आपका, आवाज आ रही है सर? जी अब आ रही है, बताइए दोबारा से। बेटा आपका कुछ इशू है, हमें सही नहीं समझ लग रही। ठीक है अदल, थैंक यू वेरी मच, फिर दोबारा आपसे करते हैं। अच्छा जी बिलाल अहमद, काइंडली माइक आपके पास है, बताइए। अच्छा बेटा जी, एक चीज़ क्लियर सुन लें, आप लोग जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ज़रिए लॉगिन ना हो, आप लोग जो हैं आगाही पोर्टल पे जाएं
अपनी रिस्पेक्टिव वर्कशॉप में जाकर, डे वन है तो डे वन का जो लिंक आपको अब शो हो रहा है 2 बजे के टाइम पे, उसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वो ऑप्शन देगा कि आप वेब के जरिए कंटिन्यू करना चाहते हैं या ऐप के थ्रू, तो ऐप के थ्रू आप क्लिक करके फिर आप ज्वाइन करेंगे टीम को, तो आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। अदरवाइज आपकी बेशक आप क्लास माइक्रोसॉफ्ट टीम से लेते रहें, आपकी 0% अटेंडेंस जो है वो काउंट होगी। तो ये काइंडली ख्याल रखें इस चीज़ का। और ये जो लोग गेस्ट के तौर पे आ रहे हैं, इन्हें भी हम अलाउ नहीं कर सकते। आप अपने जो मेन आपको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का लॉग इन दिया हुआ है, उसी के जरिए आगाही पोर्टल से जाएँ, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। जी बिलाल अहमद, आपके पास अली असगर साहब, अली असगर साहब माइक आपके पास है, काइंडली इंट्रोड्यूस कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, अली असगर शेख, आई एम साइंस ग्रेजुएट और मेरा जो ताल्लुक है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। आई एम वर्किंग एज आर एस इन हैदराबाद बेस। My total experience of this field almost 20 years, और I am very hopeful and optimistic कि ये degree जो है MSc Administrative Science इंशाल्लाह बहुत अच्छी values add करेगी अगर future में मुझे role मिलता है marketing के साथ sales दोनों का। अच्छा ठीक है चलें जी, best of luck for this। Thank you sir। जी राहत, आपके पास mic है, kindly introduce कराइएगा अपने आपको। राहत अली, माइक आपके पास है। जी राहत अली मेरा ख्याल हमारे साथ नहीं है। खावर अमीन जी, माइक आपके पास है, काइंडली अपना इंट्रोडक्शन कराएं। जी खावर अमीन, इंट्रोडक्शन कराइए। जुबिया अरशद, काइंडली आप इंट्रोडक्शन कराएं। जुबिया आप अपना तारुफ कराएं। रुबिया आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। चलें नेक्स्ट क्लासेस में हम साथ साथ जो हैं लोगों से इंट्रोडक्शन लेते रहेंगे, तो आज का फिर आई थिंक से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, सबसे पहले जी हम देख लेते हैं जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, जो हमारा सब्जेक्ट है। इसमें सबसे पहले ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो बेसिकली है क्या। तो उसमें हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह के कोई भी कंपनी है, तो आपको पता है कि कंपनी के जो ऑनर्स हैं वो हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनकी जो
जी एज अ ब्राउजर भी कर सकते हैं आप और एज अ ऐप भी कर सकते हैं, जिससे मर्जी कर लें, लेकिन आपने लिंक को क्लिक करके ही आना है, ठीक है। आपने अपना इलामा इकबाल के पासवर्ड से आगाही पोर्टल पे लॉगिन होना है, अपने वर्कशॉप में जाना है और उसके बाद जो है आपने मतलूबा डे पे जाके उस लिंक को उस टाइम के ऊपर क्लिक करना है। आगे वो ऑप्शन देगा कि वेब के ज़रिए कंटिन्यू कर लें या ऐप के ज़रिए, तो उसी तरह से चाहे वेब से करें चाहे ऐप से करें तो आपकी अटेंडेंस फिर काउंट होगी, ठीक है। अदरवाइज आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी अगर आप डायरेक्टली आगाही पोर्टल की बजाय इसके ज़रिए जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। मेरी भी अटेंडेंस जो है वो इसी तरह से ही जो है वो सिस्टम काउंट करता है और आपकी भी इसी तरह से। तो मैं आपको बता रहा था कि एक कंपनी है, कंपनी के जो ऑनर्स हैं वो कौन होते हैं, जिनके पास शेयर्स होते हैं, ठीक है, और वो हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि कंपनी जो है वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को चूज़ करे और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करे जिससे उन्हें अच्छा रिटर्न आए, और अल्टीमेटली जब कंपनी की प्रोग्रेस अच्छी होगी तो शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उसकी शेयर वैल्यू बढ़ेगी और आपके शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा। अब शेयर होल्डर्स तो आपको पता है कोई टीचर भी हो सकता है, कोई वकील भी हो सकता है, कोई आम हाउसवाइफ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो तो अपने अपने कामों में बिजी होंगे, वो कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंपनी को मैनेज करने के लिए कौन लोग होते हैं, वो हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है, CEO, CFO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इस तरह का जो सी सूट वाले एम्प्लॉयज होते हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, वो मैनेजर्स जो हैं वो चला रहे होते हैं। वो हमारे हम एज अ प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स एज अ प्रिंसिपल बिहेव कर रहे होते हैं और वो अपने मैनेजर्स को एज अ एजेंट जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। एजेंट्स यानी मैनेजर्स जो हैं वो ऑनर्स के बिहाफ पे सारी डीलिंग्स और डे टू डे एक्टिविटीज़ चला रहे होते हैं। अब इशू ये आता है कि जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो बाज़ुकात अपने जानने वालों को, अपने रिलेटिव्स को, या जहाँ से उन्हें अंडर द टेबल किकबैक्स मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, वो उन लोगों को प्रोजेक्ट्स कंपनी के दे देते हैं और उस पर अपना कट रख लेते हैं और कंपनी को अल्टीमेटली नुकसान होता है। मैनेजर की तो जेब भर जाती है लेकिन कंपनी को नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए फिर कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं, कि शेयर होल्डर्स कुछ और चाह रहे हैं, मैनेजर कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अलाइंड नहीं है, तो इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है उसे हम एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसके लिए फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है उनको इलेक्ट कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कस्टोडियन होते हैं शेयर होल्डर्स के राइट्स के, और वो आगे फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही हैं जो टॉप मैनेजमेंट को जॉब पे रखेंगे, यानी CFO, CEO, CIO, इन सब को जो जॉब पे रखने की जिम्मेदारी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, ठीक है। तो हमारा काम एज अ शेयर होल्डर क्या है कि हम वोटिंग करके इलेक्ट कर लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुपरवाइज और मॉनिटरिंग और चेक एंड बैलेंस रखते हैं अपनी रखी हुई टॉप मैनेजमेंट की टीम से। अगर वो अब वो टॉप मैनेजमेंट ने जो भी प्रपोजल बनाना होता है उसकी अप्रूवल उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लेनी होती है। तो इस तरह से ये मसला काफ़ी हद तक जो है वो तरीके से मैनेज हो जाता है, और ये जो ऐसी इंटरनल कंट्रोल्स बनाना, ऐसी पॉलिसीज बनाना कि सब चीज़ें एक प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड्स के, एथिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चलें, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सही तरह से जो है वो डिफाइन हो, ये सब किस फ्रेमवर्क के, किन रूल्स के तहत सारी चीज़ें चलती हैं अच्छे अंदाज से, वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स, वो प्रैक्टिसेस,
बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाती हैं, ठीक है। इन अ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद शेयर होल्डर्स डिजायर व्हिच इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन व्हाइल कंफर्मिंग टू द बेसिक रूल टू द सोसाइटी embodied in law and local customs. Then हमारे पास फिर एक और define किया गया है कि relationship among various participant in determining the direction and performance of a corporation. पाकिस्तान में सबसे पहले corporate governance जो है वो उसका act जो बना था code of corporate governance वो पहला 2011 में draft बना था और जो late चल रहा है वो 2019 का ड्राफ्ट चल रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ठीक है, जिनको कंपनीज ने फॉलो करना होता है, ठीक है। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी राइट्स और रिस्पांसिबिलिटीज डिफाइंड हैं, इसमें शेयर होल्डर्स की भी राइट्स और रिस्पांसिबिलिटीज डिफाइंड हैं, मैनेजर्स की भी डिफाइंड हैं, डायरेक्टर्स को कैसे इलेक्ट करना है वो पूरा प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को किस तरह से इलेक्ट करना है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कैसे करना है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कैसे हायर करना है, क्या कोई फीमेल भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा होना ज़रूरी है उसका, ये सारी चीज़ें जो हैं, और क्या सीईओ और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो हैं वो सेम पर्सन हो सकता है, इस तरह की जितनी भी बातें हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी रेगुलेशन हैं, वो सारे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2019 में पाकिस्तान के लिए जो हैं वो डिफाइंड हैं। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हमें ज़रूरत भी इसलिए पड़ी, ज़रूरत इसलिए पड़ी कि माजी में 2000 में 2001-2 में बहुत सारे अकाउंटिंग स्कैंडल्स भी हुए हैं, बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, जो हैं बड़ी अनएथिकल सी प्रैक्टिसेस चल रही थी, फ्रॉड चल रहे थे, स्कैम्स चल रहे थे, विंडो ड्रेसिंग हो रही थी, मैनिपुलेशन हो रही थी, और उससे बहुत बड़ी बड़ी फार्म्स डूब गई। उन चीज़ों इन तमाम चीज़ों जिसमें एनरॉन की भी एग्जांपल है, तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए जो है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कोड था उसकी ज़रूरत महसूस की गई, और सर्बियन ऑक्सले एक्ट और इस तरह आगे चल के जितने भी एक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बनते रहे हैं माजी में वो बैकग्राउंड बात। अच्छा आवाज आ रही है आपको, जरा बताइए क्लियर करें, आवाज क्लियर है आपको? चले अच्छा, इसमें इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप अमंग शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एंड कम्युनिटी। अच्छा, ये सारे के सारे जो हैं इन्हें हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं आपका सीआर कौन है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ठीक है जी, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, उसका लिंक यहाँ शेयर कर दें, मुझे ऐड कर लें उसमें और उसका लिंक शेयर कर दें, सारे उसको ज्वाइन कर लें, उसके बाद मैं ये वाली जो स्लाइड है वो लेक्चर के एंड में उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगा। ठीक है,
जितने मैंने बताया शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स और कम्युनिटी जो हैं, ये सब कहलाते हैं स्टेक होल्डर्स, क्योंकि इन सब का इंटरेस्ट हमारी फार्म्स के साथ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत ही क्यों है, तो उसमें हमारे पास जो 5 पॉइंट हैं उसमें लिखा है कि अगर आपकी गवर्नेंस सिस्टम तगड़ी होगी तो आपको बाहर से पैसा भी आसानी से मिल जाएगा अपने पैसे। उसके बाद लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आप लोन भी लेंगे तो आपको सस्ते रेट में मिल जाएगा। स्कैम वाली बात, उसके बाद इम्प्रूव कंपनी परफॉर्मेंसेस, ऑब्वियसली जब आपकी प्रैक्टिस इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होंगे तो उस वक्त जो है वो फिर आप कंपनी भी लंबे अरसे तक सस्टेन करें। इलेक्शन के और क्राइसिस के दौरान और मसले मसाइल कम, उसके बाद हमारे पास जो है वो मोहम्मद दानिश खान ने ग्रुप बना लिया जी, सारे इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लें। आफ्टर द क्लास आई विल शेयर दिस लिंक। अच्छा, अब जो प्रिंसिपल्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, उसमें सबसे पहले है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, क्योंकि जो कितने आपने 5-6 पीछे देखे कम्युनिटी, शेयर होल्डर्स, वो सारे के सारे जो हैं वो स्टेक होल्डर्स थे। तो हमने ऐसा डिसीजन लिया जो सारों के बेनिफिट में हो, ये ना हो कि सिर्फ शेयर होल्डर को फ़ायदा हो रहा है, बाकी को नुकसान हो रहा है, सप्लायर को नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं होना। इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हमने ये इंश्योर करना है कि इंटरप्राइज जो है वो मैक्सिमम वेल्थ क्रिएट करें और जुडिशरी जो है वो, और जुडिशरी यूजेस द वेल्थ और बड़े इंसाफ के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें उस सारे पैसे को, और सबको बेनिफिट हो, आपके स्टेक होल्डर्स को, सबकी वेल्थ क्रिएशन। बेटा अब इसका बार बार देखें, डिफरेंट ग्रुप्स आप बना रहे हैं, इस तरह ना करें, एक ही ग्रुप जो है वो बनाए ताकि जी एक ही ग्रुप बनाए, ये कोई भी एक आप चूज कर लें, बाकी डिलीट कर दें जी आप। इस तरह से फिर प्रॉब्लम होगी आपको, कहाँ शेयर करना है कहाँ नहीं करना, डिलीट कर दें। मोहम्मद हमजा आप रहने दें, जिन्होंने पहले बना दिया कोई चलने पे। चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपने ये भी इंश्योर करना है कि ना सिर्फ आपने प्रॉफिट कमाना है बल्कि उसके अलावा जो है कि ना सिर्फ हमने प्रॉफिट कमाना है बल्कि हमने जो सोसाइटी है उसके बेनिफिट के लिए भी काम करना है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, इसमें हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर प्रोसेस के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लागू करनी है। लॉ जो है इस कंट्री में भी हमारी काम कर रही है, हमने वहाँ के लॉ का भी ख्याल रखना है और हर ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में उसको फॉलो करना है। एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स, तो हमने इंश्योर करना है इंटेग्रिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, इंडिपेंडेंस को और अकाउंटेबिलिटी को इन डीलिंग विद ऑल स्टेकहोल्डर्स। ना सर एक तो था ना लॉज को ब्रेक नहीं करना, दूसरा हमने एथिकली भी करेक्ट होकर चलना। हमारे पास जो 4 पिलर्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, उसमें पहला है अकाउंटेबिलिटी, दूसरा है फेयरनेस, तीसरा है ट्रांसपेरेंसी और चौथा है इंडिपेंडेंस।
अकाउंटेबिलिटी के अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड के सामने क्या है, अकाउंटेबल है। बताया था कि सीईओ सीएफ को जो भी प्रपोजल्स बनाएंगे उनकी टीम जो भी एक प्रपोजल बनाकर लाएगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्रेजेंट करेगी और उस पर डिस्कशन होगी, उसके बाद इस पर अप्रूवल या डिनाई का फैसला होगा। उसके अलावा मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटेबल है बोर्ड को और बोर्ड अकाउंटेबल है शेयर होल्डर्स को। फेयरनेस का मतलब ये है कि आप शेयर होल्डर्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है उसके अलावा तमाम शेयर होल्डर्स को, चाहे वो माइनॉरिटी हो ड्यूरेबल हो, सबको बराबर से आपने तहफ़ कर, ये नहीं कि छोटा इन्वेस्टर है उसकी कोई वैल्यू ना करना और बड़ा है तो कोई चीज कर। प्रोवाइड इफेक्टिव रीड्रेस फॉर वायलेशंस, जब भी कोई इस तरह की वायलेशन हो किसी की साइड से तो उस पर प्रॉपर एक्शन। ट्रांसपेरेंसी वाला जो पिलर है उसमें हम करते हैं कि टाइमली एक्यूरेट डिस्क्लोजर्स हो तमाम मटेरियल मैटर्स का, मटेरियल में उसके मॉनिटरी टर्म्स में होते हैं वो, फाइनेंशियल सिचुएशन परफॉर्मेंस ऑनरशिप और कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब जो है वो पब्लिकली सारी चीज़ें खुली किताब की तरह होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंस, तो प्रोसीजर और स्ट्रक्चर्स ऐसे हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फैसले कर सकें। पिलर्स पढ़ लिए हमने, प्रिंसिपल पढ़ लिए, अब है एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट। इसके अंदर सबसे पहले गुड बोर्ड प्रैक्टिसेस है पहला एलिमेंट, फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट है, फिर ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर है, वेल डिफाइंड शेयर होल्डर राइट्स हैं और बोर्ड की कमिटमेंट। इसमें जो पहला पॉइंट था गुड बोर्ड प्रैक्टिसेस का, उसमें ये था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनुमान चलते कम से किए था, अनुमान चलते कम से किए था, अपनी ड्यूटीज का अपनी रिस्पांसिबिलिटीज का पता हो समझ हो, बोर्ड वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए यानी उसमें एग्जीक्यूटिव कितने होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे, ये सब प्रॉपरली बैलेंस्ड हो, फीमेल भी एक डायरेक्टर लाजमी हो, सो एप्रोप्रिएट कंपोजिशन और मिक्स ऑफ स्किल्स होनी चाहिए, यानी सारे बंदे फाइनेंस की वहाँ पर डाल दिए, मार्केटिंग का कोई है नहीं, तो इस तरह करके मिक्स स्किल्स जो हैं बोर्ड के अंदर होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रपोजल को प्रॉपर तरीके से एवेल्युएट किया जा सके। सेकेंड जो इसमें एलिमेंट था वो था गुड बोर्ड प्रोसीजर्स, इसका मतलब है कि प्रॉपर उन्होंने प्रोसीजर्स डिज़ाइन किए हों, डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन क्या होगी यानी मुआवजा उसे कितना देना है, 10 लाख देना है 15 लाख लेना है, वो स्किल के हिसाब से हो, बोर्ड की सेल्फ एवेल्युएशन होती रहे, उनकी ट्रेनिंग जो है वो होती रहे, इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल एनवायरनमेंट में इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स डिज़ाइंड हुए हों ताकि किसी किस्म के मसले मसाइल ना हो, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क मौजूद हो, डिज़ास्टर रिकवरी सिस्टम यानी अचानक कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है पूरी दुनिया में तो उससे किस तरह बचा जा सकता है, उसके लिए आपने मैकेनिज्म रखा हो, मीडिया मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं ताकि आपका कोऑर्डिनेशन आउटसाइड वर्ल्ड के साथ अच्छे तरीके से हो। कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोसीजर्स भी इन प्लेस हों ताकि आप ऐसा ना हो कि एक साल बाद आपका सारा बिजनेस ही बंद हो जाए। इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो हैं उन्हें अपॉइंट करना चाहिए ऑडिट्स के लिए और इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है आपका इंटरनली ऑडिट जो होता है वो सही तरह से हो,
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें सारी इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अवेलेबल हो और कंप्लायंस फंक्शन हो, यानी जो भी बेजल और इस तरह के जो नेशनल स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग के और आते रहते हैं उनको भी प्रॉपरली कंप्लाई किया जा सके। फोर्थ के इसके अंदर जो एलिमेंट था वो ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर था, इसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाएगी, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगी और फाइनेंशियल जो है वो आई एफ आर एस स्टैंडर्ड होते हैं उनको सामने रख के आप करें। इसके अलावा कंपनीज जो हैं वो टाइम के ऊपर अपनी अप टू डेट जिसकी फाइलिंग्स करेंगी, हाई क्वालिटी मिल जाएंगी और वेबसाइट रिपोर्ट वगैरह डाटा रखा हुआ होगा। वेल डिफाइंड शेयर होल्डर राइट्स होंगे, माइनॉरिटी होल्डर राइट्स फॉर्मलाइज किए जाए प्रॉपरली रिटन फॉर्म में हों, वेल ऑर्गेनाइज शेयर होल्डर मीटिंग्स जो हैं वो होनी चाहिए और पॉलिसी ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो हैं इसके लिए पॉलिसी। उसके बाद हमारे पास पॉलिसी ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन जो हैं जो रेगुलरली बनी होती है, लेकिन मर्जर एक्विजिशन का डिसीजन होने जा रहा है उसकी पॉलिसी जो है वो डिफाइंड हो, क्लियरली डिफाइंड एंड एक्सप्लिसिट डिविडेंड पॉलिसी जो है वो भी मेंशन हो कि क्या तरीकाकार होगा, किस तरह से डिविडेंड दिया जाएगा। बोर्ड की जो कमिटमेंट है, बोर्ड डिस्कसेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज एंड हैज क्रिएटेड अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। The company has a corporate governance champion, so a corporate governance improvement plan has been created. Appropriate resources जो है वो corporate governance initiatives के साथ कमेंट होने चाहिए। Policies और procedure जो है वो formalization form में है और सारे तलिका staff तक distribute भी होने चाहिए। Corporate governance code जो है वो develop करना चाहिए और कोड ऑफ एथिक्स भी डेवलप हुआ होना चाहिए और कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस लीडर के तौर पे अपने आप को रिऑर्गेनाइज करती हो। उसके बाद अदर एंटिटीज जो हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो तमाम तरह की ऑर्गेनाइजेशंस पे लागू होती हैं, ना सिर्फ कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में दे रही हैं, ये नॉन प्रॉफिट और पब्लिक सेक्टर पर भी लागू होता है जिसमें एन जी ओ स्कूल हॉस्पिटल स्टेट होम एम्प्लॉय इन सब पे बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, अगर इंडिया के पाकिस्तान तक मैंने आपको बता दिया कि पहला बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ड्राफ्ट 2011-12 में आया था और अपडेट उसे किया गया 2019 का। इंडिया में देखा जाए कि ये किस तरह से था, तो इंडिया ने कॉर्पोरेट सिनेरियो जो था वो बड़ा स्टैगनेंट सा ही चल रहा था अर्ली 90s तक। उसके बाद पोजीशन एंड गोल्स ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो बाद में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ जब पूरी जो इंडस्ट्री को जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को लिबरलाइज कर दिया गया, नेशनलाइज से लिबरलाइज हो गई, पाबंदियाँ हट गई। इंडिया ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम जो है उसे 1994 में जो है वो शुरू किया और इंडिया जो है अपने 20 मिलियन शेयर होल्डर के साथ वन ऑफ द लार्जेस्ट एमर्जिंग मार्केट्स है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से। इंडिया जो है उसने बड़ा पैराडाइम शिफ्ट किया है। 1996 में कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआई ने एक स्पेशल इनिशिएटिव किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। फिर ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि ताकि डेवलप प्रमोट किया जा सके, ताकि इंडियन कंपनी उसको फॉलो करें, प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर बैंक ये सब जो हैं ये एंटिटीज इसको सही तरह से अडॉप्ट करके इसके मुताबिक काम करें। उनका जो इनिशिएटिव था सीआईए उनका, उसने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, उसके इंटरेस्ट को स्मॉल इन्वेस्टर को बचाना, इस तरह के सारे काम किए और ट्रांसपेरेंसी को लेकर आए। इसके बाद सिक्योरिटी, जैसे हमारे यहाँ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP है, वहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है।
SEBI जो कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी वॉचडॉग जो है वो चौकीदार एक उठा लिए ऊपर, और स्ट्रिक्ट 1991 में लिबरलाइज हुई थी और फुल पोटेंशियल और स्टॉक मार्केट का सही फायदा उठाने के लिए जो है ये नेसेसरी था कि स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स लेकर आए। तो SEBI जो कि 1988 में बना था और फुली फंक्शनल जो था ये 1992 में हुआ था। तो इसका काम क्या था कि डुअल ऑब्जेक्टिव था, एक तो उन्होंने स्मॉल इन्वेस्टर्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना था, दूसरा उन्होंने स्टॉक मार्केट को डेवलप करना था। 1992 में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज थी उसने पहला मेजर काम वहाँ पे हर्षल मेहता की मूवी तो देखा, और एनालिस्ट ने तय किया कि अगर SEBI को बहुत ज़्यादा जो है वो पावर थी तो स्कैम जो है नहीं हो स्टार्ट हुआ। सब लेजिस्लेशन बाय नेम ऑफ SEBI एक्ट 1992 एंड कंफर्ड स्टैचुरी पावर्स पर। तो 1992 में पावर्स दे दी गई SEBI को, वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। SEBI अपने सेवरल स्टॉक जो थे आ गया, ऐसे इंडियन फार्मेशन था जो डायरेक्टर के रूप में कंट्रोल अगस्त ने अनाउंस किया 1939 में अमेंडमेंट क्लास के मंथ को मेजर इफेक्ट को कंपनी सीकिंग न्यू लिस्टिंग। मेजर चेंजेस जो हुई वो क्या थी कि पहले के बाद बढ़ा दिया गया आगे ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अनबायसनेस आ गई। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तमाम बोर्ड मेंबर्स जो है वो आप कर देंगे, आप सारे ज्वाइन कर ले तो मैं ये दानिश को ज्वाइन कर लेंगे आप सारे जो है वो फाइनेंशियल और मुझे ऐड कर लेंगे उसमें दानिश। ऑडिट कमेटीज जो हैं फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में मेंशन था, रिजल्ट ऑफ दी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस विद द लॉज रिस्पेक्टिव लेटर्स लेटर ऑफ वीकनेस इन इंटरनल कंडीशंस इशूड बाय द स्टैट्यूटरी रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ रिमुनरेशन ऑफ द चीफ इंटरनल ऑडिटर। अच्छा, दी व्हिसल ब्लोइंग पॉलिसी क्या थी कि दिस पॉलिसी हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल एम्प्लॉयज एंड व्हिसल ब्लोअर्स should be protected from unfair treatment and terminations. और subsidiary companies जो थी उसमें 50% non-executive directors होने चाहिए। और 1/3 and 1/2 independent directors depend करता है कि आपका chairman जो है वो non-executive है या executive है। अगर वो एग्जेक्टिव है तो फिर 1/2 होगा, अदरवाइज 1/3 होगा। लास्टली इसको कंक्लूड करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें इंडियन कंपनीज जो हैं वो ग्लोबली बड़ा अच्छा कंपीट कर रही हैं कैपिटल मार्केट्स में और बेंचमार्क वर्ल्ड क्लास बन चुकी हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिया जो है मैनेज प्रोटेक्टेड इकोनॉमी विद कॉर्पोरेट सेक्टर ऑपरेटिंग इन एन इंसुलर फैशन, तो पहले 1990 से पहले ऐसे ही चल रहा था, बट एज रिस्ट्रिक्शन हैव ईज्ड 1991 में जब ईज हुई तो इंडियन कॉर्पोरेशन जो है वो इमर्ज हुई और उन्होंने अपने ओल्ड वेज ऑफ डूइंग बिजनेस को छोड़ दिया और ग्लोबल एनवायरनमेंट में फास्ट पेस के साथ चलने लग गए। सो
तो आज का लेक्चर जनाब एंड हो गया. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड. आई एम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल. आई हैव डन माय पीएचडी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इकबाल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एंड आई एम वर्किंग इन अ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इन एप्टन. तो थैंक यू वेरी मच जी. कल हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 2 बजे और आप जो हैं इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी. आप बेशक 4 बजे तक जो टाइम है उसमें कनेक्टेड रहें. बाकी लेक्चर जो है वो मैंने आपको आज का कर दिया. थैंक यू वेरी मच. मैं आपके साथ स्लाइड्स जो हैं वो शेयर कर देता हूँ.